मामला थाना करेल के ग्राम नगला डंबर का है, जहां जमीनी विवाद को लेकर चचेरे भाई ने पत्नी के साथ मिलकर नाबालिग बहन के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग के हवाले कर दिया। 90% जली किशोरी को गंभीर हालत में युवती को सैफी रेफर कर दिया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पिछले कई महीने से परिवार में जमीनी विवाद को लेकर परिवार में आपसी कलह की स्थिति बनी हुई थी, जिसके चलते पिता व मां की गैर हाजिरी में चचेरे भाई ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर चचेरी बहन पर केरोसिन डालकर आग लगा दी, जिसके बाद 90% जली युवती को ग्रामीणों ने पुलिस की सहायता से करेल CHC पहुंचाया, जहां से युवती निधि को सैफी रेफर कर दिया गया। सूचना पर जिलाधिकारी प्रदीप कुमार, पुलिस अधीक्षक अजय शंकर राय, अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सही व क्षेत्र अधिकारी परमानंद पांडे में पुलिस बल पहुंच गए और पूरी घटना की बारीकी से जांच की। मैनपुरी से दीपक शर्मा की रिपोर्ट, SKH न्यूज। फिर मैंने दीदी पहुँच लगा दी इन लोगों ने, तो फिर जितेंद्र ने और फिर इन लोगों ने फिर आँच लगाई। बाद हम लोग घर पे आए, सोनबे को मिली तो हम लोग घर पे आए, फिर इन लोगों ने बताई। फिर मैंने अपनी दीदी को पूछी क्या दीदी कैसे किन्ने आँच लगाई, फिर बोली कि बक्कन जितेंद्र ने और इन लोगों के घर वाले ने मुझे पकड़ लो, तो तब आँच लगाई। क्यों पकड़ लिया, क्या क्या वजह कुछ पता लगी? जाने, फिर मैंने कोई बात पूछी नहीं पाई। कोई गलत काम तो नहीं कर रहे थे कहीं? जाने, लड़की के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी गई, क्या घटना है, मामला क्या है पूरा? ये नगला डंबर गांव है, थाना करहल मैनपुरी का। यहाँ पर एक 15 वर्षीय बालिका है। आरोप है कि उसके सगे ताऊ के लड़के उसकी माँ और उसकी पत्नी द्वारा जमीन की रंजिश को लेकर के उस पर मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दी है। और लड़की गंभीर रूप से जली अवस्था में, इस समय सफी में जो भर्ती है, इलाज चल रहा है उसका। और इंजर्ड के भाई द्वारा अपने चचेरे भाई, उसकी माँ और पत्नी के खिलाफ अटेम्प्ट मर्डर का मुकदमा लिखवाया है।